बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेट सोलर। और आज ए ग्रेट सोलर की टीम मौजूद है भैंस कॉलोनी में, जहां पे हम 8 किलोवाट का एक सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रहे हैं। मेरे पस मंजर में जो आप सोलर पैनल्स देख रहे हैं, ये जिनको एन टाइप 580 वाट के पैनल्स हैं और ये मोनोफेशियल पैनल्स हैं। 16 पैनल्स टोटल इस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। यहाँ पे जो है हम आपको स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं, जो कि हमारे क्लाइंट ने खुद रेडी करवाया है, और इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन भी है। कोशिश होगी कि इस प्रोजेक्ट में हम इसकी टेस्टिंग भी ऐड करें। तो आज के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाते चलेंगे, हमारे क्लाइंट ने ये पाँव वगैरह इनके बंद कराने का सिलसिला शुरू कर रखा है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने यूज में मटेरियल लेके इसको प्रॉपर सेट करवाया है, तो इस पर कदरे कॉस्ट कम आती है। अगर आप शेषा से मटेरियल लेके इस पर काम करवाते हैं तो आपके काफ़ी जो हैं वो पैसे बच जाते हैं। होता यह है कि आपके अच्छे खासे पैसे जा रहे होते हैं नए माल के ऊपर, लेकिन अगर आप प्रॉपर चीज़ें वर्कआउट कर लेते हैं तो काफ़ी लोग जो हैं वो इसमें सेविंग करने में कामयाब भी हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो इन्वर्टर है वो प्रॉपर प्लेस हो चुका है और हम डीबी बॉक्स सेट कर रहे हैं, लेकिन आज वाले प्रोजेक्ट में हमारा मैग्नेट कॉन्टेक्टर नहीं आ रहा, इस वजह से कि हम लाना भूल गए। इसको बहरहाल मैनुअली यहाँ पर हम सेटिंग वगैरह कर देंगे इसकी। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जिस तरह से हम वायरिंग कर रहे होते हैं उसी तरह से उसी पैटर्न पर 6 mm के वायर्स हम यूज़ कर रहे हैं। सोलर से जो है वो 8-8 पैनल के 2 स्टिंग आएंगे। इंशाल्लाह इस इन्वर्टर को ऑन करते हैं, आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो है 5 मंजिला घर है और 5 मंजिला घर के वो उस हिसाब से सेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये बिल्कुल ऊपर पैनल्स के साथ, ये देख सकते हैं ये पैनल्स हैं, और ये पैनल के साथ ही हमने इन्वर्टर को जो है वो प्लेस कर दिया है। डीबी बॉक्स भी यहीं पर है, क्योंकि हमारे क्लाइंट की चॉइस ये थी कि घर में छोटे बच्चे हैं, इस वजह से इसको पैनल्स के साथ लगाया जाए। अब यहाँ पर हमारे लिए चैलेंज था वो वायरिंग है। हमने क्या किया है कि 744 की जो वायर है उसकी हमने 3 पेयर उठा लिए, एक इन है 2 आउट हैं, स्मार्ट लोड और हैवी लोड दोनों। तो ये हम लेके जा रहे हैं नीचे डीबी बॉक्स तक, आपको दिखाएं कि किस तरह से वायरिंग मैनेज की है। पीछे डक पट्टी में जो आप वायर देख रहे हैं दैट इज़ फॉर द सोलर सिस्टम, और यहाँ पे जो आप वायर देख रहे हैं दिस इज़ फॉर द इन्वर्टर सिस्टम। तो ये वायर हम डायरेक्ट यहाँ पे लेके आ गए हैं इनके इस पॉइंट तक, यहाँ से फिर कंसील्ड जो है वो डीबी बॉक्सेस तक ये वायर लेके जा रहे हैं। तो जैसे जैसे डीबी बॉक्स हम ऑन करते हैं आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको सेट कर रहे हैं, ये सेट हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 सिलेक्टर आएंगे 102 के, 1 और 1, ये दोनों 50 एम्पेयर के सिलेक्टर्स हैं, और ये इसलिए आएंगे कि हम स्मार्ट लोड को स्मार्ट लोड पे डाल रहे हैं, एसी का लोड उसको बाईपास करने के लिए और सोलर पे चलाने के लिए एक सिलेक्टर डाला जा रहा है इसमें, और एक जो है वो मेन इन्वर्टर, अल्लाह ना करे कभी कोई ख़राबी आ जाए तो उसको बाईपास करने के लिए। तो ये दोनों सिलेक्टर्स जो हैं वो इसमें इंशाल्लाह प्लेस हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम सिस्टम को ऑन कर रहे हैं, इस वक्त 3:30 बजे बज गए हमें सिस्टम ऑन करते करते। तो आपको चेक करवाते हैं कि 16 पैनल्स का वोल्टेज कितना बन रहा है। तो हमारे दोनों जो स्ट्रिंग हैं वो इस वक्त तकरीबन 400 वोल्ट के अराउंड जो है वो जनरेट करेंगे, और इसके बाद अभी हमने चार्जिंग सिर्फ ऑन की हुई है 80 एम्पेयर के हिसाब से, सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए, जब तक हम इस पर मेन लोड डाल के इसका चेक करते हैं कि हमें क्या एफिशिएंसी मिलती है। तो अभी आपके सामने दिखा दें तो तकरीबन 2.5 किलो वाट जो है वो सोलर से जनरेट होके आ रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा लोड इन्हेंस करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम जनरेशन इस वक्त क्या आती है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने इस पे लोड रन किया हुआ है कोई अप्रोक्सीमेटली 3 किलो वाट तक का, और सोलर से जनरेशन जो है वो 4.25 किलो वाट के अराउंड हो रही है, 3.87। तो ये मज़ीद भी ऊपर जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास लोड इतना ही है कि ये 4000 वाट के आसपास जो है वो ये जनरेशन कर रहा है, 3.88 किलो वाट, और 3 किलो वाट का रनिंग लोड है। बैटरीज हमारी ऑलरेडी टॉपअप है, इस वजह से बैटरी चार्जिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं जा रही, 850 वाट के करीब जो है वो बैटरी चार्जिंग जा रही है हमारे पास। तो ये इस वक्त का स्टेटस है, बहुत अच्छा स्टेटस मैं आपको शो नहीं कर पाया जिस तरह से ज़्यादा वीडियोस में करता हूँ, लेकिन आज की वीडियो के लिए ये आप एक्सेप्ट करें कि 4 किलो वाट की जनरेशन है और 3 किलो वाट का रनिंग लोड है, और टाइम है शाम के 3:30।
सो फ्रेंड्स, हमने इसको टेस्ट पर्पस के लिए इसमें थोड़ी सी हमने क्या किया कि एक पीवी जो है हमने ऑफ कर दी है, तो एक पीवी के ऊपर मैक्सिमम हमने लोड डाल दिया है, तो हमारे पास जनरेशन आ रही है 2717 वाट की। तो अगर हम इसको डबल कर सकते हैं तो तकरीबन कोई 5000 प्लस हमारे पास जनरेशन आ जाएगी सिस्टम में। तो ये डेमोस्ट्रेशन था एक कि आप इसको चेक कर सकेंगे किस तरह का रिजल्ट जो है वो आपको मिल सकता है इस तरह के सोलर प्रोजेक्ट से। टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करती है, आजकल वैसे भी थोड़ा सा धूप जो है वो कभी ज़्यादा कभी कम होती है। तो अभी जैसे रिसेंटली हमने ऑन किया तो 5 किलोवाट की जनरेशन चलेगी दोनों स्ट्रिंग्स की। तो टोटल ये सिस्टम जो है वो गर्मियों में वॉश पैनल्स होंगे तो 8000 वाट इजीली जनरेट कर पाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको भैंस कॉलोनी दिखाते चले, मेरे बिल्कुल सामने आपको तमर के जंगलात दिखाई देंगे यहाँ पे इस तरफ, क्योंकि आगे फिर समंदर है और वो किरेने पोर्ट कासिम है यहाँ पे। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं जो चिमनी आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली ये जो चिमनी है टावर के पीछे, यहाँ पे कोयला आता है जो कि बाहर से आता है, वो फिर यहाँ पे प्रोसेस होता है और फिर उसके बाद इस तरफ जो है वो पावर हाउस है। ये जो टावर के इस तरफ मैं आपको वहीं से इशारा कर रहा हूँ, इस तरफ वो पावर हाउस है जहाँ पे कोयले से बिजली बनती है कराची के अंदर। तो ये सारा भैंस कॉलोनी का एंड का इलाका है जिसके बाद फिर सारा समंदर आता है। तो इस वक्त हम जिस घर पे मौजूद हैं, कोई ये 5 मंजिला घर है, तो ये नीचे सारे जो है ये भैंसों के बाड़े हैं और यहीं पे हमारे काफ़ी सारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट्स भी इंस्टॉल्ड हैं। ये बराबर वाले घर में भी जो है वो प्रोजेक्ट हमारा ही इंस्टॉल किया हुआ है, इसको भी मज़ीद अपग्रेड करेंगे पैनल्स वगैरह इसमें ऐड करके, तो इंशाल्लाह फिर अपकमिंग किसी वीडियो में आपको ये भी दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है जिस वजह से सब बंदे जो हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो सोलर पे कन्वर्ट हो। तो हमारे पैनल्स ये आपको दिखा दें, ये हमारे पैनल्स हैं और ये इस तरह से जो हैं वो हुकअप किए गए। तो हमने थोड़ा सा इनको रीसेटिंग इसकी करवाई है कि ये यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इनको नट बोल्ट वगैरह कर दें, तो ये नीचे से जो है इन पैनल्स को ये देखेंगे एक्स्ट्रा सुराख वगैरह किए ताकि यहाँ से नट बोल्ट करके इसको प्रॉपर कर दिया जाए ताकि ये फिक्स हो जाए। तो ये 6 फुट जो है ऊपर से सपोर्ट डाल के, ये देख सकते हैं इसके अंदर सपोर्ट आपको दिखाई देगी, तो ऊपर से हुक डाल के इसको जेक के ज़रिए टाइट किया हुआ है। तो ये यहाँ के फैब्रिकेटर्स हैं भैंस कॉलोनी के जो कि इस पैटर्न पे काम करते हैं। एंगल सारा मैंने जैसे पहले आपको अर्लियर बताया था कि ये सारा स्क्रैप से लिया था, तो ये टोटल स्ट्रक्चर इनको मजदूरी वगैरह डाल के कोई 1.5 लाख रुपए में ये सारा स्ट्रक्चर पड़ गया है और ये कोई 30 सोलर पैनल्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है इस वक्त। पीवी बॉक्स हमारी सेट हो चुकी है, सिस्टम वर्किंग में है, बैटरीज आ चुकी हैं। तो इस वक्त मैं आपको एक प्रॉपर व्यू दे रहा हूँ इसका, और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। मेन डीवी बॉक्सेस आपको दिखा दूंगा कि हमने किस तरह से मैनेज किए हैं, वायरिंग हमारी जो सारी सोलर वाली वायर और एसी वायर जो हम लेके गए हैं इस मेन स्विच से सारी हमने कंसील कर दी है। सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट डीवी बॉक्स है जिसे मैनेज कर रहे हैं और आपको मैंने अर्लियर दिखाया था कि 2 सिलेक्टर्स डाल रहे हैं, हैवी लोड के लिए अलग है और सिस्टम के बाईपास के लिए अलग है। तो ये यहाँ पे हमने थ्रू आउट कंसील्ड वायरिंग करती है, इसी तरह से वायर को दूसरे फ्लोर्स पे भी लेके जाया जा रहा है। टोटल यहाँ पे 3 फ्लोर्स हैं जहाँ की वायरिंग जो है वो मैनेज कर रहे हैं प्लस ग्राउंड फ्लोर, तो टोटल 4 फ्लोर्स हैं जिनको मैनेज करने जा रहे हैं। सो दिस वन इज़ द सेकेंड पोर्शन जिसे हमने ऑर्गेनाइज करना है, ऑन की थी पहले और इसके बाद फिर ग्राउंड फ्लोर आपको दिखाते हैं लास्ट मैन करते हुए। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ क्रूशियल स्टेज कि हमने ये जो कंसील्ड वायरिंग की है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कोशिश यही होती है हमारी देखें एंड तक ये जितना अच्छा काम कर सकें अवेलेबल सोर्सेज के अंदर। अगर कोई बहुत आउट ऑफ द वे जाके काम करना होता है तो वो फिर आपको अलग से इलेक्ट्रिशियन बुलवा के सेटिंग करवानी होती है, वो हम बता के चले जाते हैं। और अभी भी इस साइड पर एक हम इनका फ्रिज वगैरह कोशिश करेंगे कि स्मार्ट लोड पर ऑन कर दें, लेकिन इनका जो एसी है वो इनके इलेक्ट्रिशियन से अलग से वायर होगी, न्यूट्रल फेस आएगा तो चलेगा, सिलेक्टर हम यहाँ पर छोड़ दिया है। तो मैगनेट हमारे पास नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर मैनुअल कंट्रोल इनके पास दे दिया कि जैसे ही सोलर से इनका फ्रिज ऑफ हो तो ये उसको डायरेक्टली के इलेक्ट्रिक पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज द लास्ट डीबी, द थर्ड फ्लोर
which has been also managed on the solar. Now the last one. So this is the last floor. इसकी setting हम करते हैं इंशाल्लाह और उसके बाद फिर ये इनका generator का system है. इसको हमने as it is रखा है ताकि अगर emergency में generator use करना चाहे. और ये 2 meters की setting है. इसको just हमने wiring के साथ extra wires connect करके organize किया है. बहुत ज़्यादा beautify नहीं कर पाएं क्योंकि ये पहले से सारा system हुआ हुआ था, इसलिए हम इसको भी छेड़ नहीं रहे. तो इसमें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से एज पर आवर नीड हम जो है वो इसको सिंक्रोनाइजिंग कर रहे हैं. तो आई होप कि यू विल लाइक टुडेज प्रोजेक्ट एंड शेयरिंग योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. अस्सलाम वालेकुम.